फाइनली गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुजफ्फराबाद 93 किलोमीटर। वेलकम टू जेके मोटो व्लॉग्स। सो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं हस्कवरना, यानी कि हमने दूध पथरी वाली सीरीज में भी यही चलाई थी। तो फिलहाल एजाज भाई चला रहे हैं अपनी जिक्सी। तो ये है कुछ प्यारी सी लोकेशन, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो ये लोकेशन है भाई बोनियार, बोनियार है ना, हाँ बोनियार उरी। तो यहाँ से आगे है भाई बर्फ, साइड वाली लाइन से बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ से अगर चलेगा बंदा तो स्लिप होने का खतरा रहेगा, इसलिए हम बीच बीच में से चलेंगे ताकि आराम से पहुँच पाएँ। शहजाद बोल रहा है ऐसा चल, क्योंकि भाई बर्फ़ है यहाँ साइड से, तो अचानक रोड में बर्फ़ या ब्लैक आइस वगैरह आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी उस वजह से, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं स्लो स्लो। तो हाँ रिस्क लेने का ही नहीं है, बट खूबसूरती है भाई कसम से, मैं पहली बार आ गया इस जगह पे और बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ज़्यादा। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुजफ्फराबाद 93 किलोमीटर्स, चकोथी 43 और उरी है यहाँ से 23 किलोमीटर्स। तो आगे बढ़ते हैं भाई, लोगों के प्यारे प्यारे रिएक्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं भाई क्या सीन है आगे का। चलो ये है जी पीर पंजाल ब्रिज, सामने आप बोर्ड देख पा रहे होंगे पूरा लिख के है। कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से। गाइस काफी ज्यादा चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं जी उड़ी के काफी करीब। तो यहाँ से उड़ी है आई थिंक 12 या 13 किलोमीटर, तो जाते हैं जल्दी से उड़ी भाई, काफी खूबसूरत जगह है, पीछे हम रुके थे। तो आगे बढ़ते हैं, आप ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे आर्मी जो है ना भाई बहुत ज़्यादा तादाद में है, बहुत ही ज़्यादा कैंप्स हैं यहाँ पर। तो यह है उरी, आगे देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं, आगे मुझे लगता है बिना परमिट्स के छोड़ेंगे भी नहीं, थोड़ा बहुत आगे हम जाएंगे और वहाँ से आगे भाई परमिट्स मस्ट हैं जैसा कि सुनने में आया है। कुछ गुफा है लेकिन लॉक्ड है भाई, आगे ताला वाला लगा हुआ है, कुछ टनल है। तो प्यारी सी लोकेशन है यहाँ पर, खूबसूरती आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेते हैं एक दो सिनेमैटिक शॉट्स तो आपको दिखाते हैं, एंजॉय करें। भाई बारामूला से लेकर यहाँ तक मुझे पहला ब्रिज देखने को मिला है, यहाँ से उस पार का रास्ता है। तो मुझे पता नहीं भाई कहाँ साइड से हमको कहाँ जाना है, फिलहाल यहाँ किसी से कंफर्म करते हैं देन निकलते हैं आगे के लिए। जो ये जगह है ना भाई काफ़ी खूबसूरत और प्यारी जगह है, तो यहाँ किसी से पूछते हैं पहले। सीधा ओके थैंक यू। चलो भाई हमने यहाँ से लोकल्स को पूछा कि उड़ी कहाँ से जाना है, मुझे लगा ये ब्रिज हमें क्रॉस करना है बट नहीं, ब्रिज काफ़ी बढ़िया है भाई ये, तो हमें जाना है स्ट्रेट आगे उड़ी प्रोहिबिटेड एरिया। यहाँ पे टनल है ब्रो, अंदर लाइट्स भी है ना भाई, ये कोई टनल है, ये भी लॉक्ड है, जैसे कि पीछे वाला टनल बंद था ये भी बंद है। और यहाँ से देख पा रहे होंगे अभी आप भाई, ये प्रोटेक्शन है ताकि भाई कोई गाड़ी खुदा ना खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उस वजह से है ना पूरा ये बंद कर रखा है ताकि भाई नीचे जो खाई है ना वहाँ पे ना जा पाएँ। तो सही है भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यारत भी है, ये देख पा रहे होंगे अभी आप। उसके बाद हम पहुँचे कुछ ऐसे प्यारी सी जगह पे, तो यहाँ से नीचे आप देख पा रहे होंगे, दिखा देते हैं आपको अच्छे से, वहाँ पे एक ब्रिज है और साथ में पता नहीं गुरुद्वारा है या मंदिर है कुछ है ना, तो काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, उसके उस पार भी एक छोटी सी बिल्डिंग है, तो
वहाँ पे रही हमारी मस्जिद। ये गुरुद्वारा है ब्रो, उसके फ्लैग्स लगे हैं। गुरुद्वारा है, खूबसूरत जगह है ना। अच्छा वहाँ से वो ब्रिज भी था पहले, है ना, वो देख फुट ब्रिज था लेकिन अब टूट फूट गया है। हाँ आर्मी का, हाँ आर्मी का कैंप है वो कर। भाई साहब खूबसूरती देख लो, यहाँ से क्या ही खूबसूरत जगह है ना, क्या बात है भाई साहब। अपना काबुल बुखारी यहाँ पे भी लगा हुआ है, देख रहे हो भाई, करना का बंदा, यानी ये करना का सिंगर है काबुल बुखारी। वो जो सामने लिख रखा है वेलकम टू उरी, भाई साहब उरी मेन मार्केट में हम पहुंच चुके हैं। पहले मुझे लगता है हम यहाँ पे रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आगे निकलेंगे। क्या बोलते हैं, चाय पी लें पहले? हाँ पहले कुछ खा पी लेते हैं, तो देन आगे थोड़ा बहुत जाएंगे, देखेंगे आगे क्या रहेगा, तो हमें अगर छोड़ेंगे तो उसी हिसाब से। फ़िलहाल यहाँ पे कहीं चाय का स्टॉल हमें मिल जाता ना, मज़ा आ जाता। A few moments later. तो गाइस हमने सोचा था हम आगे जाएंगे, बट भाई यहाँ से विदाउट परमिट्स नहीं छोड़ रहे, तो अब हमें वापस ही निकलना पड़ेगा घर के लिए। तो यह है जी कुछ ऐसी मार्केट उरी की, जो मेन मार्केट है ना भाई, ये है। अंकल कितने देख रहे हो, अंकल पीछे गड्डी है। फिलहाल गाइज हम पहुंच चुके हैं चंदनवारी, कुछ ऐसा करके इस जगह का नाम है जहाँ पे हम रुके थे जाते टाइम। तो अभी देख रहे हो भाई पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, धूप पड़ रही है खाली पहाड़ों पे, क्योंकि पूरे जंगल वाले एरिया में, और यहाँ से है पूरा ब्लैक आइस, ये आप देख पा रहे होंगे भाई। तो यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन और आराम आराम से चलना है, अदरवाइज़ भाई गिरने का खतरा है। ये देख रहे हो भाई बीच रोड में आइस जमा हुआ है और बर्फ़ आस पास आप देख पा रहे होंगे।